हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनय कुमार कुशवाहा और एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेके। मैंने आप लोग को अभी तक फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव व्हीकल के बारे में बताया है। आज मैं आपको तीसरा टाइप जो कि हमारा फोर व्हील ड्राइव या 4x4 व्हीकल है, इसके बारे में मैं आप सभी लोग को बताऊंगा। दोस्तों, फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव, ये क्लासिफिकेशन है व्हील ड्राइव के बारे में। तो हम लोग आज बात करेंगे फोर व्हील ड्राइव व्हीकल के बारे में। तो आइए दोस्तों, देखते हैं ये फोर व्हील ड्राइव व्हीकल कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, किसी भी गाड़ी में दो एक्सेल होते हैं हमारे पास, फ्रंट एक्सेल होता है और रियर एक्सेल होता है। दोस्तों, हमारे पास ये टॉप व्यू में डायग्राम बना हुआ है और फ्रंट साइड हमारी ये है, यानी कि दीज आर द फ्रंट व्हील्स एंड दीज आर द रियर व्हील्स। दोस्तों, अभी तक इससे पहले के वीडियोस में आपने देखा कि जिस एक्सेल पे हमें पावर ट्रांसमिट करनी होती थी, सिर्फ उसी एक्सेल पे हम लोग डिफरेंशियल गियर का यूज करते थे, बाकी के जो दूसरा एक्सेल होता था उस पे हम कोई भी पावर ट्रांसमिट नहीं करते थे। दोस्तों, आज आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंशियल यूनिट है, फ्रंट एक्सेल के लिए भी एक डिफरेंशियल यूनिट है और रियर एक्सेल के लिए भी हमारे पास एक डिफरेंशियल यूनिट है। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्रंट एक्सेल और रियर एक्सेल दोनों पे डिफरेंशियल गियर्स लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि जो इंजन की पावर है हम दोनों ही एक्सेल पे देना चाहते हैं। यहां पे एक बात समझने वाली है, यहां पे दोनों ही एक्सेल को हम लोग लाइव एक्सेल कहते हैं। फ्रेंड्स, लाइव एक्सेल का मतलब होता है जिसपे पावर ट्रांसमिट होती है। यहां पे फ्रंट एक्सेल और रियर एक्सेल दोनों पे ही पावर ट्रांसमिट हो रही है, जिसे हम लाइव एक्सेल कहते हैं। ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं रेड लाइन के बीच में, दिस इज एक्सेल एंड दिस इज एनक्लोज विथ द अपर केसिंग इन द सेम मैनर। हियर ऑल्सो द डॉटेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सेल, लाइव एक्सेल विच इज इनक्लोज बाई द रेड लाइन्स। तो दोस्तों, देखते हैं ये सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। इंजन इज अ पावर प्लांट, ये एक पावर प्लांट होता है जिससे पावर सप्लाई मिलती है किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए। इंजन के आगे जो क्रैंकशाफ्ट लगी हुई होती है, इस क्रैंकशाफ्ट के ऊपर फ्लाईव्हील माउंट होता है जो कि एक्सेस एनर्जी को स्टोर करता है। फ्रेंड्स, फ्लाईव्हील और क्लच एक दूसरे के साथ कपल्ड होते हैं, अगर फ्लाईव्हील और क्लच के बीच में क्लियरेंस आ जाए तो इंजन ऑन रहेगा, लेकिन इंजन की पावर आगे ट्रांसमिट नहीं होगी क्योंकि इन दोनों के बीच में क्लियरेंस आ जाएगी। इसे हम लोग डिसएंगेज्ड पोजीशन कहते हैं। एंगेज्ड पोजीशन में फ्लाई व्हील की पावर क्लच को ट्रांसफर होगी और क्लच की पावर क्लच शाफ्ट को ट्रांसफर होगी। और आप देख सकते हैं क्लच शाफ्ट इनपुट का काम करता है गियर बॉक्स के लिए। फ्रेंड्स, तो गियर बॉक्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, गियर बॉक्स में हमें डिफरेंट गियर रेशियोज मिलते हैं। व्हेन एवर वी नीड मोर टॉर्क और मोर आरपीएम, दिस इज गवर्न बाय द टाइप ऑफ गियर यू हैव चूजन। फर्स्ट गियर पे हमें हाईएस्ट टॉर्क मिलता है एंड मिनिमम आरपीएम मिलता है, टॉप मोस्ट गियर पे हमें हाईएस्ट आरपीएम मिलता है और मिनिमम टॉर्क मिलता है। फ्रेंड्स, यहां पे इसके बाद ही थोड़ा सा सेटअप में चेंज है पहले के वीडियो से, फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव से। जब आप गियर बॉक्स से आगे बढ़ेंगे, इसके बाद मॉडिफिकेशन स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, यहां पे एक एडिशनल बॉक्स हम लोग लगाते हैं फ्रेंड्स, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफर बॉक्स। गियर बॉक्स से जो मॉडिफाइड पावर होती है ये ट्रांसफर बॉक्स में जाती है, जहां पे दो गियर्स एक दूसरे के साथ मैशिंग में रहते हैं। तो यहां पे ऊपर एक गियर है और नीचे एक गियर लगा हुआ है। नीचे के गियर के सेंटर से दो प्रोपेलर शाफ्ट, एक आगे वाले डिफरेंशियल के लिए और दूसरी डिफरेंशियल यूनिट टू के लिए दो प्रोपेलर शाफ्ट निकलती हैं। दिस इज प्रोपेलर शाफ्ट वन, दिस इज प्रोपेलर शाफ्ट टू। सो एंड वी आर यूजिंग यूनिवर्सल कपलिंग्स ओवर हियर,
यूसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल कपलिंग। तो मैंने आप सभी लोग को बताया हुआ कि यूनिवर्सल कपलिंग दोस्तों जहां पे भी इंक्लाइन शाफ्ट में हमें पावर ट्रांसमिट करनी होती है, इंक्लिनेशन पे जहां पे भी पावर ट्रांसमिट करनी होती है वहां पे हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग का यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोपेलर शाफ्ट 1 का कनेक्शन डिफरेंशियल गियर 1 से है और प्रोपेलर शाफ्ट 2 का कनेक्शन डिफरेंशियल गियर 2 से है, यानी कि जो भी पावर इंजन से डेवलप होगी वो इस ट्रांसफर बॉक्स के थ्रू प्रोपेलर शाफ्ट 1 और प्रोपेलर शाफ्ट 2 में ट्रांसफर होगी और प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू डिफरेंशियल यूनिट 1 और डिफरेंशियल यूनिट 2 में होगी। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशियल यूनिट 2 के लिए जो ये एक्सेल है ये लाइव एक्सेल है, यानी ये आगे के दो फ्रंट व्हील्स को घुमाएगा और डिफरेंशियल यूनिट 2 पीछे के दो व्हील्स पे पावर ट्रांसमिट करेगा। दोस्तों फोर व्हील ड्राइव व्हीकल की जो खास बात है वो ये है कि चारों व्हील्स पे इंजन की पावर ट्रांसफर होती है। दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ऑफ रोड कंडीशंस में लाइक फॉरेस्ट या डेजर्ट एरिया, इस तरीके के एरियाज में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है क्योंकि इसके चारों व्हील्स पे पावर ट्रांसमिट होती है। सपोज करिए अगर इसके रियर व्हील्स कहीं पे फंस जाए तो आगे के व्हील्स पे जो पावर सप्लाई हो रही है उसकी वजह से ये गाड़ी निकल जाएगी। इसके अलावा फोर व्हील ड्राइव व्हीकल की खास बात ये है कि इसकी क्लाइंबेबिलिटी या जिसे हम लोग ग्रेडिएबिलिटी कहते हैं ये भी बहुत अच्छी होती है फ्रेंड्स। अब आते हैं इसके ड्रॉबैक पे फ्रेंड्स। तो इसका ड्रॉबैक ये होता है कि फोर व्हील्स पे पावर ट्रांसमिट होने का मतलब है वी नीड मोर पावर, और जब हमें ज्यादा पावर की जरूरत होती है तो फ्यूल कंजम्पशन भी हमारा ज्यादा होता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है फ्रेंड्स। इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने रियर व्हील ड्राइव व्हीकल के बारे में बताया था उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। रियर व्हील ड्राइव व्हीकल में पावर रियर एक्सेल पे ट्रांसमिट होती है और फ्रंट एक्सेल को सिर्फ और सिर्फ जो ड्यूटी असाइन होती है वो गाड़ी को टर्न करने की होती है, यानी फ्रंट व्हील्स को सिर्फ और सिर्फ हम स्टीयर करते हैं और गाड़ी हमारी मुड़ जाती है दोस्तों, और पावर ट्रांसमिशन का काम रियर व्हील्स पे होता है। तो इस केस में इन कंपैरिजन ऑफ फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल, रियर व्हील ड्राइव व्हीकल का स्टीयरिंग सिस्टम स्मूथ होता है। और रियर व्हील ड्राइव व्हीकल के डिसएडवांटेज के बारे में अगर हम जाने तो क्योंकि फ्रंट पे इंजन माउंट होता है और रियर व्हील पे पावर ट्रांसमिट करनी होती है जिसकी वजह से वहां पे हमें हैवी प्रोपेलर शाफ्ट की जरूरत पड़ती है, ये जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है इसकी वजह से ट्रांसमिशन लॉसेस बढ़ जाते हैं, गाड़ी का वेट बढ़ जाता है जिसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है दोस्तों। तो